की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, होली स्पिरिट मेरे अंदर से आहें मार मार के, आहें भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आप वचन से प्रार्थना करेंगे, इमोशंस के साथ नहीं, फीलिंग के साथ नहीं, चिल्लाहट के साथ नहीं, चंगाई की भावना के साथ नहीं, फिर आप जानेंगे परमेश्वर की मर्जी को प्रैक्टिकली अपनी स्पिरिट में। हालेलुया। कैसे आप जान सकते परमेश्वर की आवाज आपकी लाइफ के लिए क्या है? जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता उसे परमेश्वर की ऑडिबल यानी सुनने वाली आवाज कभी नहीं आ सकती। ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता वो कभी भी परमेश्वर की सुनने वाली आवाज जो हम कानों में और स्पिरिट में सुनते हैं, महसूस नहीं करते, लगता नहीं है या आता नहीं है दिमाग में, सुनना आवाज को वो कभी नहीं कर सकता अगर उस लाइट के आगे जालियां लगी और अगर आपकी बाइबल पूरी नहीं है। लोगों के पास बहाना है हमें पढ़ना नहीं आता, हम अनपढ़ हैं। और आज अगर वेस्टर्न यूनियन से 50,000 रुपए आपकी बहन भेज दे इंग्लैंड से और आप अनपढ़ हैं, आप 2 घंटे में पैसे निकाल लोगे। अगर वो चिट्ठी अंग्रेजी क्या, पारसी और फारसी और यहूदी भाषा में क्यों नहीं, आप उसे निकाल के आप 50,000 घर पे लेके आए। क्यों? क्योंकि पैसे का मामला है। और ये वचन मैं आपको बता सकता हूं, ये पैसे से बहुत ज्यादा कीमती है। मैं आपको इमोशनली नहीं बता रहा हूं कि हाँ ये वचन बड़ा कीमती है।